नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से हिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। और आज हम देखेंगे 12th हिस्ट्री के चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। और ये आपका बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग आपका ये 2 है। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक प्रमुख यात्री के बारे में, उनका नाम अल बिरूनी है। तो इनसे भर भर के सवाल आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट यात्री है मध्यकाल में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इब्न बतूता जैसे जो है, अल बिरूनी जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार इब्न बतूता जो है वो इंपॉर्टेंट है और उनकी प्रमुख किताबें रेहला है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास प्रॉपर जो है इब्न बतूता के ऊपर में रहेंगे, जिसमें सबको बता दे एनसीईआरटी की चीजें हम डायरेक्ट डिस्कस कर देंगे, इन सब के बारे में बहुत बारीकी से जिक्र कर देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और भी बहुत सारे एनसीईआरटी में चीजें हैं, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे आपका नहीं। ये सब पिक्चर है, ये पिक्चरें क्या बताती हैं, इन सबको हम व्याख्या करेंगे आज के क्लास में। ये भी कुछ पिक्चर है इब्न बतूता से रिलेटेड है, तो इन पिक्चरों के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एनसीईआरटी के नीचे में बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर में भी बातें करेंगे। लेकिन हम जान रहे हैं कि इस लाइन को एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे तो शायद आप बोर हो जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो भी एजेंडा हम तैयार करके लाए हैं, कैसे आपको पढ़ाना है, बस आप 30 मिनट का समय हमें दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन इब्न बतूता से सारी चीजें आपको समझा देंगे और मैप का सहारा लेते हुए काफी बढ़िया से आपको जो है वो पढ़ाएंगे। मैप है, नोट्स है, एनसीईआरटी के पूरे चीजें हैं, कुछ भी डंडी मारने वाले जो चीजें है ना वो एकदम नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो एक बात आप सबसे कहेंगे कि अगर आप कहीं भी वीडियो को ओपन किए हैं तो प्लीज वीडियो को कट कर दीजिए। आप कहां वीडियो ओपन करिए, तो आप वीडियो ओपन करिए आप अपने घर में जाके, जहां आप स्टडी करते हैं प्रतिदिन बैठ करके, आप वही पढ़िए। ठीक है, कलम पेन एकदम पूरा लेके, पेन है, कॉपी है, ये सब ले लीजिए। अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो वो खोल लीजिए और उसके बाद जब ये वीडियो देखिएगा, जो जो चीज अभी लिखवाएंगे, देखिए ब्लैक बोर्ड भी लेकर के आए आपके लिए, इस पे भी बहुत सारे डेटा लिखवाएंगे अभी आपको, तो सब लिखिएगा और उसके बाद एक बार रट्टा मारिएगा ना, एकदम दावा करते हैं आप अपने इलाका में एकदम फरफरा जाइएगा। किसी से भी आप टकरा जाइए इब्न बतूता जी के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट आपको क्लास समझाते हैं। सबसे पहले अगर आप बैठे हुए कलम कॉपी पेन लेकर के, तो आप अपने कॉपी के ऊपर में हेडिंग दे दीजिए इब्न बतूता। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल इब्न बतूता से कैसे आएंगे, वो सारी कुछ चीजें हम लेकर के आए, तो सारी चिंता हम पे छोड़ दीजिए कि कैसे पढ़ाना है, कि कैसे सारे सवाल आपसे बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इब्न बतूता जी के बारे में, ध्यान सुनेंगे। ये कुछ वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा और यहाँ ये पूरा का पूरा जो आप ये मैप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है एक महादेश है और इस महादेश को कहते हैं अफ्रीका महादेश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इब्न बतूता जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मध्यकाल में यात्री हमारे यहाँ का नहीं है, ये कहाँ से आए हैं, तो अफ्रीका से आए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है और ये मेडागास्कर है। ठीक है, अब ये ध्यान सुनेंगे, अफ्रीका के एकदम ऊपर वाला भाग यानी उत्तरी अफ्रीका, इस जगह का नाम मोरक्को है। आप यहां देख सकते हैं, यदि अंग्रेजी में परेशानी है तो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपको हिंदी में आएंगे, तो ये मान लीजिए ये मोरक्को है। ठीक है, तो मोरक्को से ही आए हैं, तो मोरक्को अब कहाँ है इसको वर्ल्ड मैप पे आपको ध्यान रखना और एकदम मन में स्कैन करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तो ये आप याद रखो, ये मोरक्को के निवासी हैं। क्लियर है यहां तक, सारी बातें आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आराम आराम से नोट्स लिखवाएंगे, आप लिख सकते हैं और नहीं तो नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे मिल जाए। आप केवल समझिए इनका जो जन्म हुआ था, हमारी पूरी कहानी को सुनिए, सारे नोट्स हम आपको देंगे, आपको कहीं भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, और कुछ जो नोट्स में नहीं है वो यहां लिखवाएंगे, तो आप उसको लिखिए। ठीक है, चलिए।
सबसे पहले बात कर ले तो इनका जो जन्म है वो यही मोरक्को में एक प्रसिद्ध जगह था। उस जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम है तैंजियर। ठीक है, मोरक्को के एक शहर है, इसका नाम क्या है? तो तैंजियर है। ये सब लिखा मिलेगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी केवल सुनते जाइए। तो मोरक्को के तैंजियर में जो है इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, जो कि आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बड़े नामे कभी नहीं पूछे गए हैं और नहीं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, खैर जो भी चीजें हैं हम आपको बताते चल रहे हैं। तो इनका पूरा नाम जो है वो मोहम्मद है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मोरक्को देश है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। एक बात और बता दे आपको, यदि आप अफ्रीका को यहां देखना चाहें कि एकदम क्या प्रॉपर उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, तो नहीं, ये उत्तरी और पश्चिम साइड में पड़ता है जी। ये अफ्रीका का इतना जो भाग आप देख रहे हैं, इधर वाले जो है ना अफ्रीका का, ये उत्तरी पूर्वी है। लेकिन अगर स्पेशल मोरक्को को अगर हम इंडिकेट करके बढ़िया तरीके से बताएं ना सर, तो ये उत्तर और आपके पश्चिम साइड में आते हैं। क्लियर यहां पे? लेकिन बुक्स में आपको मिलेंगे शायद उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, क्लियर है? जो भी बातें हैं, अब यहां समझिएगा बात क्या है। यहां इनका जन्म होता है, काफी पढ़े लिखे विद्वान है, काफी अच्छे खासे जो है वो पढ़े थे। कहते हैं कि इस्लामिक कानून है, इसका नाम याद रखेंगे, इस्लामिक कानून जिसको हम शरिया कहते हैं आमतौर पे, जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो लोग तो जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो शरिया है, सारी चीजें लिखे मिलेंगे, कुछ भी नोट डाउन मत करिए, आपको सब पीडीएफ में रहेंगे, उससे केवल आप अपने फेयर में लिखेंगे और आपको याद करना, ध्यान से सुनेंगे। तो ये इस्लामिक कानून जिसको शरिया कहते हैं, ये शरिया की पढ़ाई किए थे और पढ़ाई करके इस्लामिक कानून शरिया के बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां मोरक्को में इनका बहुत ज्यादा मान सम्मान ये सारा कुछ जो है वो मिलने लगा। एक दिन की बात कहते हैं कि ये बगल से एक कंट्री में गए थे, यहां एक कंट्री यानी देश है, इस देश को कहते हैं ट्यूनिस। ध्यान से सुनेंगे, इस देश का नाम क्या है? ट्यूनिस। अगर लग रहा है कि सही में क्या ट्यूनिस है, तो लो भाई ट्यूनिस को भी दिखा दे, कहीं ना कहीं तो ले करके आए होंगे आपके लिए। ये क्या है? तो ये तो मोरक्को है। अच्छा, वन मिनट शहर सब आपको दिखाएंगे, केवल आप यहां घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये तो आपको मोरक्को है, कहीं लाए हैं? नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप ना? ना भैया, झूठ तो नहीं बोलते। झूठ बोलते हैं, सबसे बोलते हैं, पर बच्चों से झूठ नहीं बोलते हैं, जो मन में रहता है वही एकदम पूरा का पूरा बोलते हैं। लो भैया ये देख लो आप, ये है एक शहर, इसको कहते हैं ट्यूनिस। हम कहानी में बता रहे हैं, सारी चीजें फैक्ट वैक्ट सब समेट देंगे, आप केवल सुनते जाइए। तो एक दिन मोरक्को से बहुत प्रसिद्ध थे मोरक्को के तैंजियर में ये ट्यूनिस गए। ट्यूनिस जब गए तो वहां इनके साथ जितने भी लोग थे और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, वहां इनको सम्मान दिया जा रहा था। जो भी लोग यहाँ ट्यूनिस के शहर में आए थे राजाओं के द्वारा, काफी जो है वहां पे मान सम्मान दिए गए थे, उनके स्वागत में बहुत सारे लोग थे। लेकिन इस व्यक्ति को यानी इब्न बतूता को कोई सम्मान नहीं दिया गया था, तो ये काफी नाराज हो गए थे। देखिए सारी बातें एनसीईआरटी में है, उसको कहानी के फॉर्म में बता रहे हैं, केवल आप सुनते रहिए हेडफोन वगैरह लगा के। नहीं हेडफोन है तो मोबाइल का स्पीकर बहुत फुल साउंड कर लीजिए और ऐसे जगह आप बैठ कर देखिए, पढ़िए, जहां कोई नहीं हो। पक्का दावा करते हैं आपका रैंक आपके इलाका में एकदम टॉप वन पे रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे गए, क्या हुआ भाई? तो ये हो गया कि सबका स्वागत हो रहा था, इनका स्वागत नहीं हुआ, इनको बहुत खराब लगा, यानी फ्रस्ट्रेशन, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई ये। लेकिन इनके फ्रस्ट्रेशन बुक्स में आपको कुंठा मिलेगा देखने के लिए। फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में कुंठा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए यानी कुंठा थे, तो इनके कुंठा यानी दुखी दृश्य को एक व्यक्ति देख करके और इनका स्वागत की। खैर जो भी हुआ, कुछ दिनों के बाद, ये काफी अटीले टाइप के हैं, इनको यात्रा करने का काफी शौकीन था, तो ये कुछ दिनों के बाद यात्रा करते करते ये आए मक्का मदीना। ये जो आप भाग देख रहे हैं सऊदी अरब वाला, ये भाग है। ठीक है, ये अरब का भाग है, यहाँ पे सऊदी अरब है, नीचे में आपका यमन है, ओमान है, इधर दिलमुन है, बहरीन द्वीप है, बहुत सारे आपको देश मिलने देखने को मिलेंगे। तो ये मोरक्को से जो है वो अरब की यात्रा किए। ठीक है, और फिर अरब से भारत में आएंगे। तो सारी बातें आप केवल सुनते जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां अभी आपको दिखाएंगे इस मैप पे, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ये ध्यान से देखेंगे तो ये रहा सर अपना इंडिया, देख रहे हैं ना?
चली। और ये है आपका लीबिया, लीबिया के जस्ट बगल में ये आपका मिस्र है जिसको इजिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं, अफ्रीका के एकदम उत्तर और पूर्वी कॉर्नर पे। और यही तो देख रहे हैं ज्योग्राफी में, आपको यही तो पढ़ाएंगे कि यहीं पे आपका स्वेज नहर है जी, इधर एक लाल सागर है, इधर एक लाल सागर और इधर जो है आपका भूमध्य सागर, ये दोनों सागर को जोड़ने का काम यहाँ एक कैनल करती है, इस कैनल को कहते हैं स्वेज नहर। तो ज्योग्राफी में सारी चीजें ऑन मैप ही पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम केवल मिस्टर इंडिया बने हैं, गायब हो गए हैं, लेकिन आपका जो जरूरत का चीज है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बातें ध्यान से सुनिएगा, इधर आपका ट्यूनिस है, ट्यूनिस से इधर भी यहाँ पे मैप में कट लिया है, ठीक है, वो मोरक्को पड़ता है और मोरक्को से काफी देशों की यात्रा करते हुए अरब है, सऊदी अरब में है, ये मुस्लिम ही थे तो थोड़ा सा मक्का मदीना वगैरह का यात्रा वगैरह किए, काफी दूर दराज के क्षेत्र को घूमने का शौक कौन ना रखे, और वो भी मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ना रखे तो कौन रखे, ठीक है। कहते हैं इन्होंने लिखते हैं कि 22 वर्ष की उम्र में, ऐसे 22 वर्ष स्टैंडर्ड बुक्स में बड़े बड़े यूपीएससी वगैरह एग्जाम में आप देंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, वहां 22 वर्ष है। और यहाँ ये लिखते हैं, यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 21 वर्ष, ठीक है। तो इनकी जो किताबें हैं उन किताब को, ये किताब अरबी में लिखी गई थी, पहले बता दे आपको, इब्न बतूता की जो किताब है, किताब रेहला है, याद रखेंगे, तो रेहला किताब में ये अरबी में लिखे हैं। और अरबी में जो रेहला है लिखा हुआ, तो उसमें ये अपने घर छोड़ने के बारे में जिक्र करते हैं कि मैंने अपने घर को कैसे छोड़ा, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके लिखा गया है कि मैंने अपने घर को ऐसे छोड़ा जैसे मानो एक पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देती, ठीक है। तो वो छोड़ करके अरब निकले, जब अरब साइड में आए तो भारत के बारे में बहुत बड़ी चढ़ी बातें थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें सुन रखे हैं। अब ये अरब में आने के बाद मन बना लिए कि हम तो भारत जाएंगे ही जाएंगे। तो भारत आने से पहले ये अमन, यमन एक देश है, ओमान, यहाँ पे ओमान देश है, ठीक है, ये इराक है, इराक के जस्ट सीमा लगती है यहाँ पे सीरिया से, और ये तो देख रहे हैं तुर्की, तुर्की नहीं है, यहाँ ध्यान सुनेंगे, ये आपका जो देख रहे हैं देश, इसको सीरिया याद रखेंगे, कौन से देश याद रखना है सर, तो ये याद रखना है आपको सीरिया। तो इन्होंने भारत आने से पहले सीरिया की यात्रा किए थे, कहाँ की यात्रा किए थे, तो सीरिया की यात्रा किए थे। और कहाँ की यात्रा किए थे, तो सीरिया के अलावे अगर हम बात कर दे तो सीरिया के अलावे इन्होंने इराक की यात्रा किए थे। सारे के सारे नोट्स में मिलेंगे, जैसे बता रहे हैं सुन लो और नोट्स जैसे देख करके आप लिख लीजिएगा, सारी दुख जो है ना वो सर वो दूर हो जाएगी आपकी, ध्यान सुनेंगे। फिर ये ईरान की यात्रा किए थे, ये आपका क्या है, तो ये आपका यमन देश है, और ये आपका क्या है, तो ये है सर ओमान देश है, ध्यान से सुनेंगे। ये ओमान हो गए, ये यमन हो गए, ये सीरिया हो गए आपका इराक का पड़ोसी, और ये इराक हो गया, ये ईरान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गए। इन देशों का यात्रा भारत आने से पहले इब्न बतूता के द्वारा कर ली गई थी। और भी बहुत सारी चीजें की यात्रा किए गए थे, जैसे आपको बता दें, ठीक है, कि भारत आने से पहले ये जो अफ्रीका का पूर्वी वाला जो देख रहे हैं भाग, तो इधर बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो इन पूर्वी बंदरगाहों में बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में वो सुने थे, तो वहां जा कर करके और उसको आराम से देखे थे, ठीक है। चलिए, वो नजारा लिए, सबका विवरण वो अपने किताबों में लिखते हैं, वहीं से आपके बुक्स में लिखे गए हैं और वहीं से हम आपको बता रहे हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे, ये भारत आए कैसे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बारीकी से आप पढ़ेंगे कि भारत आए कैसे थे, तो भारत आए थे स्थल मार्ग से, ध्यान सुनेंगे, कैसे आए थे, स्थल मार्ग के द्वारा। देखिए भारत ये सऊदी अरब से ऐसे समुद्र से होते हुए और ऐसे आ सकते थे, ध्यान सुनेंगे, उस समय का भारत में पाकिस्तान वगैरह सब शामिल है, लेकिन ये कैसे आए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थल मार्ग के द्वारा आए थे जनाब, तो स्थल मार्ग से कैसे आएंगे, तो ये मध्य एशिया के देश, ईरान, इराक, ये सब जो है ऊपर में, ये मध्य एशिया के देश से होते हुए ये भारत में सिंध पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, सिंध, और सिंध के पास मुल्तान है, और मुल्तान के रास्ते ही ये इंडिया के, ये कहां आए थे, तो दिल्ली आए थे, कहां आए थे, दिल्ली। एक बात और आपको बताते चले, विशेष जानकारी, किसी से टकरा जाइए, पहले जब ये दिल्ली आए थे तो उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, ये याद रखेंगे, उस समय दिल्ली का जो नाम हुआ करता था वो देहली हुआ करता था मेरे भाई, ये याद रखेंगे, ठीक है। चूंकि अब कहेंगे कि आप कैसे बता रहे हो, हम का कोई भूत है, देखिए आपको दिखा ही देते,
जब ये भारत में आए थे तो उस समय जो जो जगह है एनसीईआरटी में सेम जगह का विवरण उसी रूप में किया गया है, अभी का जगह अलग है। जैसे यहां देख रहे हैं आप देहली, तो ये इनके जो किताब में वर्णन किए थे कि हम कैसे कैसे गए थे कौन कौन जगह होते हुए, तो उस जगह का विवरण एनसीईआरटी में उसी नाम से लिखा गया है जो इब्न बतूता साहब ने लिखे। तो दिल्ली का नाम पहले देहली था, ठीक है, मुल्तान आज भी मुल्तान के नाम से जानते हैं, ये भी मुल्तान है। तो ये सिंध आए थे, सिंध से ये मुल्तान, और मुल्तान से कई जगह जैसे अजूदाहन है, अजूदाहन से ये जो है आपके अबूहर है, अबूहर से सरस्वती है, ठीक है, और इसके रास्ते ये देहली यानी दिल्ली पहुंचे थे, ठीक है। अब ये आपको बता दें कि जब ये दिल्ली में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे, अब सारी चीजें आपको हम यहाँ पे ऑन मैप और बढ़िया से बताते जाएंगे। मैप पे आप देख लिए, दृश्य बन गया, अब यहाँ कुछ चीजें नोट्स भी लिखाएंगे, ठीक है, एक मिनट हट जाने दीजिए। चलिए तो एक मिनट छोटा कर लिया, ध्यान सुनेंगे। अब ये ध्यान से समझिए बात को, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको लिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, एकदम हेडिंग में ही हेडिंग दे करके इब्न बतूता हेडिंग दे सकते हैं, एक रफ पेज में लिखिएगा, और बाकी जो तेज बच्चे हैं उनको बता रहे हैं कि हम जो अभी लिखा रहे हैं उसको रफ में लिखिएगा, और फिर आप जब फेयर बनाइएगा तो जो वहां ऐप में जो पीडीएफ लगा रखे हैं उस पीडीएफ को निकालिएगा, और उस जैसे वहां नोट्स बनाया गया वैसे, और जो अभी लिखा रहे उसको आप रफ वाला में से फिर फेयर बनाइएगा तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां फेयर में जो अभी लिखाएंगे वो नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जन्म में वहां पे लिखा हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना है, जैसे जन्म में वहां ईस्वी नहीं लिखे हैं हम नोट्स में, आपको हम यहाँ लिखा रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें, दोनों करेंगे तो ज्यादा कुछ होगा। तो जन्म इनका 1304 में हुआ था, 1304 ईस्वी में हुआ था, बाकी वहां आपको मिल जाएगा मोरक्को में, 1304 ईस्वी में मोरक्को देश के तंजियर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में देश आता है, मोरक्को के ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप उत्तरी अफ्रीका, तो मोरक्को देश के कहाँ हुआ था सर, तो तंजियर नामक शहर में इनका जन्म हुआ था, ये बातें ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। चलिए ये पहला पॉइंट्स हो गया, सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहेंगे। आप दूसरा पॉइंट्स की बात कर लेंगे तो सेकंड स्टार मार के आप लिखिए, जितनी बातें लिखा रहे हैं सब लोग रफ कॉपी लेके बैठे लिखे लिखेंगे, ये इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में शरिया, ठीक है, इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं, शरिया, तो इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ थे, इस्लामिक कानून के क्या थे, तो विशेषज्ञ थे। इसका क्या लाभ मिलेगा भारत में, मिलेगा जब ये आएंगे तो बताएंगे अभी आपको, ठीक है, इस्लामिक कानून के क्या थे, ये विशेषज्ञ थे, ये हो गई। अगली स्टार पॉइंट्स में लिखेंगे कि इन्होंने घर कब छोड़ा, तो एनसीईआरटी से याद रखेंगे 21 वर्ष की उम्र में, लेकिन आपको डेट क्लियर कर दे, यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक आप पढ़ेंगे तो वहां डेट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें आपको दे रहे हैं, ये सब आप नोट्स बढ़िया से बनाइएगा, आगे बीपीएससी या यूपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए बैठिए, एसएससी वगैरह, रेलवे फेलवे कुछ भी, यहाँ बहुत काम आपको आएगा, ठीक है। तो 1325 ईस्वी में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बता रहे आपको परफेक्ट जानकारी कि 1300 इनका 4 में जन्म हुआ था, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 21 वर्ष की उम्र जो है ये लिखा जाता है कि 21 वर्ष की उम्र में, तो 1304 में जन्म हुआ तो 21 वर्ष की उम्र के बाद क्या हो गया 1325, क्लियर है ना, तो 1325 उम्र यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, उम्र इनका था 21 वर्ष, 21 वर्ष में ये क्या किए, तो घर को छोड़ दिए, ठीक है, घर को क्या किए, तो घर छोड़े थे, लिख लेंगे, क्लियर है यहां तक, यात्रा करने के लिए, यात्रा के काफी शौकीनदार आदमी थे, क्लियर यहां तक ना। चलिए अब अगली पॉइंट यहां हो गया, 1325 ईस्वी में घर छोड़े थे, उम्र क्या है इनका 21 वर्ष। अगली पॉइंट्स लिखेंगे कि जब ये भारत में आए थे तो भारत में दिल्ली कैसे आए थे, तो मुल्तान के रास्ते, याद रखेंगे मुल्तान के रास्ते, ये कहानी नहीं पढ़ लेना आपको, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बनेगा ना ऑटोमेटिक बन जाएगा, आप केवल पढ़िए मुल्तान के रास्ते ये कहाँ आए थे, तो भारत आए थे, मुल्तान के रास्ते भारत आए थे, ध्यान सुनेंगे। अब आपको कुछ बातें बता दे,
जब ये भारत में आए थे। अब हम थोड़ी सी अपना खुद का मैं बना रहे हैं, तब तक आपको गाना सुना है क्या? सुनिए कौन सा गाना सुना है। प्रेम में पागल होके दुनिया से नाता सब तोड़ के गाना बुतला जाते हैं। म्यूजिक है, ठीक है। चलिए मान के चलिए कि ये हमारा इंडिया है, इधर आपको एक द्वीप का काम आने वाला है, इधर इसको कहते हैं लक्षद्वीप, जानते हो, और नीचे तो हमारा वो है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका। कोई डाउट किसी को? ये श्रीलंका है, और इधर जो है वो बांग्लादेश वाला भाग उधर पूरा बंगाल में ही आता था, ठीक है। चलिए, और इधर आप इंडोनेशिया की तरफ बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया में आपको एक जगह मिल जाएगा, इसको कहते हैं सुमात्रा। क्या है? तो सुमात्रा है, ठीक है, आप इधर मिलेगा। छोटी सी चीजें हैं आपको लिख रहे हैं, शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो दिखने में, लेकिन जहां दिखने में प्रॉब्लम हो हमारी बातों को सुन के आप काम चला ले तो ज्यादा फायदा करेगा। सुमात्रा कैसे लिखे भाई? चलो मान के चल लीजिए, ये पाई है जी। चलिए क्लियर, चलिए ध्यान सुनेंगे। अब ये क्या थे कि ये मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से ये पहुंचे भैया आपके सिंध, और सिंध से पहुंचे ये मुल्तान, और मुल्तान जो है वो स्थल मार्ग के रास्ते ही ये कहां आए, तो दिल्ली आए थे, ठीक है। और यहां आने से पहले किन किन देशों की यात्रा की, ये समझ गए ना, ये भारत आने से पहले ये जो है यमन, ओमान, ठीक है, और क्या सोची 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 तुर्की नहीं आपका सीरिया और इराक, ठीक है, और ईरान, इराक, इन देशों का यात्रा कर करके फिर ये सिंध आए थे। क्लियर यहां तक ना? अब ध्यान से सुनेंगे, जब ये दिल्ली में आए थे, दिल्ली का नाम पहले क्या था? देहली। अभी आपको बताए थे दिल्ली का नाम पहले देहली, माइंड पे जोर 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 जो जो देके रिवाइंड करके पढ़ेंगे, ज्यादा याद होगा। तो ये देहली यानी दिल्ली आए थे, जब दिल्ली में आए थे तो एक राजा का शासन था, इसका नाम था MBT, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ऐसे, इनको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखेंगे बात को, मोहम्मद बिन तुगलक, एम से मोहम्मद, बी से बिन और टी से तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत पहुंचे थे 1332-33 में, याद रखेंगे 1332 और 33 के दौरान ये कहां आए थे, भारत में आए थे, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करें, 1304 में इनका जन्म हुआ मोरक्को के तंजियर में, 1325 में इन्होंने अपने घर को ऐसे छोड़ दिया 21 वर्ष की उम्र में, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। और यात्रा करने में दर दर इधर उधर भटकते रहे, भटक भटक कर करके ये अफ्रीका के पूर्वी साइड में यात्रा किए, फिर कहाँ यात्रा किए, तो फिर जो है अरब साइड में आए, अरब में देशों का यात्रा करने के दौरान फिर ये भारत में आने का मन बनाए, और भारत में आते आते इनको समय लगा 1332 और 33। और भारत में उस समय शासन किसका चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। पहले बताए थे कि ये सरिया के काफी अच्छे जानकारी रखते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनके प्रतिभा से प्रसन्न हो गया, भाई हमारे भारत के जो सुल्तान थे मोरक्को से आए इस यात्री से बहुत खुश हुए, रीजन क्या है, हमारे यहाँ भी मुस्लिम डायनेस्टी चल रहा था, और ये सरिया यानी मुसलमानों का जो प्रमुख ग्रंथ है सरिया, ठीक है, उसमें इस्लामिक कानून ग्रंथ है, कैसे रहना है मुस्लिमों को, क्या नहीं है, सारी की सारी सरिया में वर्णन है, तो ये उसका बहुत बढ़िया ज्ञाता था। तो इनको खुश हो कर करके और मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए कि इनको दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त कर लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली में किसके पद पर नियुक्त किए, काजी के पद पर नियुक्त किए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके बुक्स में नहीं है और हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान सुनेंगे, मुल्तान के रास्ते जब दिल्ली आए थे तो काजी के पद पे कितने वर्ष रहे थे, तो 8 वर्ष रहे थे। अब ये बात जहां आप रफ में लिख रहे थे वहां लिखेंगे, नीचे डैश देके लिखिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, फास्ट होगा तो वीडियो रोक रोक के आराम से लिखिए, लिखिए मुल्तान के रास्ते ये भारत में आए थे, मुल्तान के रास्ते यह भारत में आए थे, और भारत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें 8 वर्ष के लिए काजी के पद पर नियुक्त किए थे। अब देखिए ये
मोहम्मद बिन तुगलक पहले डिसाइड नहीं किए थे कि ये बंदा को 8 साल के लिए रखें, ठीक है ना, लेकिन काजी के पद पर रखे थे, लेकिन काम करते करते लगभग वो 8 वर्ष तक ये रहे थे। फिर एक बात बता दें, एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्या था कि 8 वर्ष तक काम करते रहे, उसके बाद सुल्तान और इनके बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मतलब कुछ बातों को लेकर गलत फहमी हो गया, तो सुल्तान क्या किया कि लगा कि आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बढ़िया आदमी, ठीक है, पूरे सुल्तान का, सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और पूरे सल्तनत में न्याय वगैरह इन सबके लिए काफी अच्छा आदमी है। हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं जो अभी तक शायद आप नहीं जानते होंगे कि वही मोहम्मद बिन तुगलक है कि भले ही मुस्लिम है, मुस्लिम शासन है, लेकिन इनके राज दरबार में होली भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। आप इतने से समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इस्लामी खाली कानून आप चलाते रहिएगा, मानवता को ताखा पे रख दीजिएगा। खैर जो भी हो, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा होगा कि ये काजी मनमानी कर रहा है, तो इनको हटा के गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जब गलत फहमी को इनसे दूर हो गया, ठीक है, तब इनको फिर कारागास यानी जेल से, गिरफ्तार से हटा दिया गया और हटा कर करके फिर से इनको काजी के पद पे नियुक्त किया। यानी टोटल ओवरऑल ओवर सब मिला करके देखे तो 8 वर्ष तक ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में काजी के पद पे रहे थे। अब क्या बात है, ध्यान से सुनेंगे। फिर कुछ दिन के बाद क्या है कि चीन, इनको एक राजा का अपना दूत बना के चीन भेजना था, तो ये क्या किया कि ये दक्षिण में गए। दक्षिण में चीन जाने के लिए ये वाला जो तट देख रहे हैं ना, ये मालाबार तट है, ठीक है, कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। एक मिनट यहां क्लियर कर दे, ये जो देख रहे हैं ये मालाबार तट है। कौन तट है जनाब? तो मालाबार तट। तो ये मालाबार तट है चीन जाने के लिए। उनकी जहाज खराब हो गई थी, सही बात आपको बताते, तो उनकी जहाज खराब हो जाने के कारण पहले बार में वो चीन नहीं जा पाए। तो कहां गए? तो वो इधर लक्षद्वीप गए, और लक्षद्वीप में जाने के बाद, अब इंपॉर्टेंट वर्ड जो कोई नहीं बताएगा, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, मालदीव गए थे, यह नीचे में पड़ेगा आपका, तो मालदीव गए थे। और मालदीव में मान के चलिए वो एक इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, यानी 18 महीना की बातें हम आपको बता रहे हैं। कितने महीना सर? तो 18 महीना मालदीव में ये गए, और 18 महीना तक जो है मालदीव में वहां भी जा करके काजी के पद पे रहे थे। 18 साल नहीं, 18 महीना, 18 महीना काजी के पद पे ये मालदीव में रहे। फिर मालदीव से ये कहां गए? तो फिर मालदीव से जो है वो श्रीलंका गए, और श्रीलंका गए, वहां भी भ्रमण किए, और श्रीलंका के बाद वो चीन जा रहे थे, ठीक है, दूसरी बार। यानी अब पहली बार जो चीन जाने का प्रयास था वो जहाज खराब होने के कारण असफल हो गया। फिर ये क्या किए कि दूसरी बार जो है वो चीन जाने की यात्रा किए। इससे पहले क्या क्या कर लिए? तो मालाबार तट से वो मालदीव गए थे, मालदीव में मान के चलिए 18 महीना तक वो जो है काजी के पद पे वहां रहे थे। फिर श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका से फिर कहां गए थे? तो बंगाल वगैरह गए थे, ठीक है, बंगाल वगैरह गए थे। और बंगाल गए थे तो वहीं पर ये दृश्य है, वहीं पर बंगाल में ही एक दृश्य आपको पहले दिखाएं, ये नाव वाला, तो ये जो दृश्य है बंगाल में गए थे तो इसका ये वर्णन किए थे, ठीक है। आप एनसीईआरटी की चीजें आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला, ठीक है, मृण मूर्ति कला के बारे में वर्णन किया है कि कैसे नाव में जो यात्री वगैरह हैं वो, तो ये जो दृश्य है वो वर्णन किए है कहां जाने के दौरान, तो वो जब दूसरी बार जो है वो चीन का सफर करने वाले हैं तब, ठीक है, पहले राउंड में फेल हो गए। क्लियर यहां तक? सारा का सारा डिलीट हो गया मेरा मैप, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर से बना लेंगे, ऐसी बातें हैं, तो आप समझते चलेंगे। तो दूसरी बार में वो कहां गए थे सर? तो चीन गए थे। फिर चीन में रहे वहां पर, उसके बाद धीरे धीरे समय जो है वो 1300 जो है वो 47 हो गया। अब धीरे धीरे इनको मन नहीं लग रहा था, और वापस अपने देश जाने का जो है वो मन बना लिए थे, ठीक है। तो वापस फिर भारत में आते हैं, और उसके बाद जो है अपने देश जाते हैं। जब ये अपने देश जाते हैं तो वहां के जो राजा थे, ध्यान से सुनेंगे, मोरक्को के जो राजा हैं वो इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई इस देश का आदमी है, बहुत दूर दूर गया है, भारत जैसे बड़े बड़े देशों में वहां सुल्तान के यहाँ काजी के पद पे रहा है, भारत के अलग अलग जगह पे काका चीजें देखा सुना, चीन गया है, फारस गया है, इतने देशों का भ्रमण किया है, तो भाई क्या क्या चीजें देखे हो तुम अपना एक किताब में लिखो। तो वहां के राजा के रिक्वेस्ट पे इन्होंने जो भी चीजें भ्रमण किए तो उसको 1325 में, अब ये भी बातें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम आपको डेट के साथ बता रहे हैं कि 1355 ईस्वी में, ध्यान सुनेंगे, 1355 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तकें को क्या किए है तो पूरी किए, और इस पुस्तक का नाम क्या है तो रेहला है, याद रखेंगे पुस्तक का नाम रेहला।
किताब उल हिंद अगर कहा जाएगा या तहकीक हिंद, तो हो जाएंगे आपके अल बरूनी, और रेहला की बात करेंगे तो इब्न बतूता साहब हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक भाई मेरे? चलिए, तो ये 1355 ईस्वी में रेहला जो किताब है वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इसमें जितने भी अलग अलग जगह पे गए थे, देखे सुने थे, सबके बारे में इन्होंने चीजों का वर्णन किए थे। अब ये छोटी सी चीजें हो गई आपका इब्न बतूता के बारे में। अब इसमें थोड़ी बहुत और इब्न बतूता के बारे में है कि भारत में जब आए थे तो क्या क्या चीजें देखे सुने, ठीक है, इन सबका विवरण। अब प्रश्न कैसे आएगा, पहले देखे कि क्या इतने बार सुनने के बाद कुछ प्रश्न आपसे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भाई कि रेहला, एक मिनट पेन चेंज कर ले, व्हाइट है, रेहला किसने लिखा है बताइए, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, इब्न जुजाई ने, या फिर मार्को पोलो ने, ठीक है। तो ये कौन लिखे हैं, इब्न बतूता ने, क्लियर। अब एक बात और बता दे, जैसे ये भारत से, इंडिया से अपना चीन गए थे, ठीक है, तो इसी तरह से एक और यात्री जिसका नाम मार्को पोलो है, ठीक है, तो मार्को पोलो भी गए थे, तो रेहला इब्न बतूता की जो आपका ध्यान सुनेंगे, इब्न बतूता की जो तुलना है वो किस यात्री से की जाती थी, तो मार्को पोलो, ये मार्को पोलो पहले आए थे, ठीक है। अब मार्को, इब्न बतूता कब आए थे, तो 1332-33 में आए थे, 1332-33 में, तो शताब्दी कौन सी हो जाएगी, आगे 13 है तो एक बढ़ा देंगे तो शताब्दी हो जाएगी 14वीं शताब्दी, क्लियर यहां तक। तो 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे, कई बार शताब्दी पूछेगा तो आपके 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, इससे बहुत साल पहले मार्को पोलो चीन की यात्रा कर चुके थे, वो भी भारत आए थे, भारत से चीन गए थे, तो इसीलिए इब्न बतूता की तुलना मार्को पोलो से की जाती है, ठीक है। यात्रियों के मध्यकालीन मध्य युग में यात्रियों के सरदार कहे जाते हैं आपके मार्को पोलो, याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, आपको प्रश्न भी कराते चले, फिर उसके बाद बहुत छोटी क्लास से आराम से छोटी छोटी वीडियो में खत्म कर लेंगे। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो शताब्दी कौन सी है, 11वीं, 12वीं, 14वीं या फिर 13वीं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका 14वीं, ठीक है। ये हम आपको ऐसी करा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं पढ़ाने के साथ साथ, बाकी ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज आपको लास्ट में मिल जाएगा, बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा है, आपको पहले बताए थे बताइए, अरबी में लिखे हैं, फारसी में, उर्दू में, या फिर अंग्रेजी में, कुछ देर पहले बताए थे कि इब्न बतूता अपना यात्रा वृतान कौन लैंग्वेज में लिखे हैं, तो अरबी में लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगले इस तरह से सवाल आएंगे, आराम से कहानी सुनने के बाद आपसे बन जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। रह गई बात सब्जेक्टिव के लिए, तो तेज बच्चे के लिए वो भी कर दे, ऑब्जेक्टिव देखिए सामान्य बच्चे के लिए यहां तक काफी है। इब्न बतूता जिस देश से आया था उस देश का नाम बताइए, मोरक्को है, उज्बेकिस्तान है, हेरात है, या पुर्तगाल है, तो इब्न बतूता जिस देश से आए हैं वो देश का नाम मोरक्को है, क्लियर है यहां तक, आपको सब बातें समझा दी है। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इब्न बतूता जिस देश के शासन काल में भारत, सॉरी, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी, तो ये आपके आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, समझ में आ गया, जिनको शॉर्ट में हम आपको अभी बताएं MBT, ठीक है। तो इतनी तक छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, अभी बहुत सारे प्रश्न है इब्न बतूता जी से जो हम आपको कराएंगे, और NCERT का जो चीजें हैं वो आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ बता दिए हैं, कहानी के रूप में एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप बोर होंगे। जो तेज बच्चे हैं बुक्स रखे हैं वो घर पे पढ़े, क्योंकि यहाँ नॉर्मल बच्चे भी वीडियो देखते हैं तो वो बोर हो जाएंगे, इसीलिए NCERT की लाइनें डील नहीं होती। अब ये सारी चीजों के ऊपर में हम कल डिस्कस करेंगे, इससे पहले आपको एक बार नोट्स का झलक आपको एक बार करा दे, ताकि आपको नोट्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसी नोट्स को पढ़ के आप फेयर कॉपी में लिखेंगे तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आए वो आप क्यों लिखेंगे, है ना। तो देखिए इब्न बतूता आए थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, इब्न बतूता आए थे भाई 1333 ईस्वी मान के चलिए, प्रश्न आपको तो 32-33 नहीं मिलेगा तो 33 ईस्वी मारिएगा। ये कैसे आए थे, तो स्थल मार्ग से ये भारत के सिंध पहुंचे थे, और फिर सिंध से मुल्तान से दिल्ली, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे, तो उत्तरी अफ्रीका के, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर जिसका नाम क्या है, तो तंजियर, यहाँ के हैं, नोट्स में सारी चीज ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बताए थे कि इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है, ये याद रखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। इब्न बतूता एक कैसे यात्री है, तो ये अरबी यात्री, विद्वान और लेखक थे, ठीक है। चलिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत
किताब उल रेहला में लिखे हैं, और रेहला कंप्लीट कब हुआ हम आपको बताए थे, 1355 में इन्होंने किताब उल रेहला को कंप्लीट किए थे। कौन से लैंग्वेज में? तो अरबी लैंग्वेज में। भारत में कब आए थे? तो 1332-33 के दौरान ये भारत में आए थे। और भारत आने से पहले मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों की यात्रा ये कर चुके थे। ये सारी बातें आपको कहानी के रूप में पढ़ा दिए हैं, नोट्स यहाँ लिख लीजिएगा कि मध्य रास्ते या सनमार्ग के दौरान 1333 में सिंध पहुंचे। क्लियर है यहां तक सारी बातें? अब इनके कठिनाई, मंजूजाई और बहुत सारी चीजें हैं जो अगले वीडियो क्लास में अभी बन बतूता आपको खत्म करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।